दमोह जिले के हटा अनुविभाग अंतर्गत फतेहपुर तथा बटियागढ़ थाना अंतर्गत लूट की वारदात को अंजाम देने वाले छतरपुर जिले के बक्सवाहा क्षेत्र निवासी 5 बदमाशों का पुलिस ने पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने में जहां सफलता हासिल की है, वहीं लूट की वारदात के दौरान राहगीरों वाहन चालकों को धमकाने चमकाने में प्रयुक्त हथियार तथा अन्य सामग्री को भी बरामद किया है। ऐसे पूरे घटनाक्रम को लेकर हटा में SDOP वीरेंद्र बहादुर सिंह ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। इस दौरान रजपुरा थाना प्रभारी तथा बटियागढ़ थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। 6 अपराधियों ने 2 मोटरसाइकिलों का उपयोग करके गीदन गांव के पास, रजपुरा का एक गीदन गांव है, 2 राहगीरों को रोका था। मोटरसाइकिल पे थे और एक ट्रैक्टर पे था। उन राहगीरों के साथ उन्होंने बेहद मारपीट की, उनकी मोटरसाइकिल छीन ली, उनके नगद पैसे छीन लिए और एक मोबाइल छीन लिया। देन उसके बाद वो आगे बढ़े सहजादपुरा से जब मगरौन वाली रोड पर जा रहे, तो वहाँ पुनः उन्होंने एक मोटरसाइकिल वाले को अपना शिकार बनाया, जिसमें 2 साहू बच्चे थे, अपने किसी परिजनों के यहाँ से शादी में लौट रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनको रोका, रोकते ही साथ बिना पूछे ताछे उनके साथ बेहतासा मारपीट शुरू कर दी और कट्टे का दम दिखाया और फायर कर दिया। इस प्रकार से उन 6 आरोपियों ने, सभी अज्ञात व्यक्ति थे, 2 मोटरसाइकिलों का उपयोग कर रहे थे, उन्होंने 2 घटनाओं को अलग अलग समय में एक ही सिमट में अंजाम दिया। जब इन सरहदी थाना प्रभारी, हमारे बक्सवा के थाना प्रभारी और उनका स्टाफ उस AD मीटिंग में उपस्थित हुआ, उस चिलचिलाती धूप में हमारे SP साहब करीब 1 घंटे तक घटनास्थल पर रहे और सभी थाना प्रभारियों को उस चुनौती का सामना करने के लिए उन्होंने आदेशित किया। और उनकी चुनौती जिस तरह से उनकी चुनौती थी, उसी तरीके से हम सभी लोगों ने मिलकर उनको चुनौती को 2 घंटे में पालन करते हुए, उनके आदेशों को 2 घंटे में उन आरोपियों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त हुई। इन आरोपियों को पकड़ने में, इन आरोपियों तक पहुंचने में हमारे दोनों थाना प्रभारी श्रीमती सोनाली और थाना प्रभारी राजीव रजपुरा, दोनों ने बेहद अपने स्टाफ से मिलकर मेहनत की है, एड़ी चोटी का प्रयास किया है और अपराधियों को पकड़ के आपके सामने कर लिया।